मुंगेली की करेंगे, जहां पर लोरमी नगर पंचायत क्षेत्र में लॉकडाउन का कड़ाई से पालन नहीं हो रहा है। नगर पंचायत का कार्यालय खुलते ही परिसर में गुमास्ता लाइसेंस बनवाने के लिए आवेदन जमा करने वालों की भीड़ उमड़ने लगती है। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी नहीं हो रहा है। दरअसल सरकार ने तय समय में कुछ दुकानें खोलने के निर्देश दिए हैं, लेकिन जिन दुकानदारों के पास गुमास्ता लाइसेंस नहीं है, वो अपनी दुकान खोलने के लिए जल्द से जल्द लाइसेंस बनवाने के लिए नगर पंचायत के कार्यालय पर पहुंच रहे हैं और भीड़ भी लग रही है। लॉकडाउन है और जैसे ही लॉकडाउन थोड़ा बहुत दुकान खुलने चालू हुआ और यहाँ नगर पंचायत आकर कि गुमास्ता लाइसेंस और सोशल डिस्टेंस के लिए बोले हैं प्रधानमंत्री जी हमारे, उसका भी पालन नहीं हो रहा है। नगर पंचायत इतना भीड़ है कि पैर रखने का जगह नहीं है। लिए एक पेनाल्टी काट रहे हैं जिससे लगभग अभी अचानक से मतलब भीड़ उमड़ गई है, लॉकडाउन खुल गया है ऐसा लग रहा है। उन लोगों को हम बता रहे हैं कि अभी भी कोरोना का खतरा कहीं से टला नहीं है। संदीप सिंह ठाकुर हमारे संवाददाता लोरमी से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। गुमास्ता लाइसेंस बनवाने के लिए ये दुकानदार आए थे संदीप, लेकिन यहाँ पर इनका चालान काट दिया गया, पेनल्टी वसूली गई। जी बता दूं तो बड़ी लापरवाही लोरमी नगर पंचायत के अधिकारी कर्मचारियों को उजागर हुई है कि लॉकडाउन के दौरान एक महीने के बाद कुछ दुकानें खोलने के लिए शासन से निर्देश तो जारी किए गए हैं, लेकिन अभी लोरमी नगर पंचायत की सीएमओ सबीना आनंद का कहना है कि उच्च अधिकारियों के निर्देश में जिन दुकानों के गुमास्ता लाइसेंस नहीं है वे दुकानें नहीं खोलने की चेतावनी दी गई है। और इसको लेकर ही लगातार व्यापारियों के द्वारा सुबह दफ्तर खुलते ही कार्यालय में भीड़ इकट्ठा हो रही है। इसमें किसी तरीके से अंकुश लगाने के लिए कोई भी जिम्मेदार जवाबदार अधिकारी वहां पर मौके पर नहीं है। इससे कोरोना संक्रमण फैलने का एक खतरा लोगों में मंडरा रहा है। निश्चित तौर से जब सोशल डिस्टेंसिंग का जब पालन नहीं होगा तो कोरोना तो फैलेगा ही। जो दफ्तर जिस दफ्तर का आप जिक्र कर रहे हैं नगर पंचायत कार्यालय, वहां पर दुकानदारों की भीड़ उमड़ गई, तो वहां पर क्या शासन की ओर से पुलिस की ओर से कोई तैनात नहीं था जो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन उनसे करवाए उन्हें बताए? मौके पर जिस हिसाब से देखा गया तो मौके पर कोई भी पुलिस आरक्षक मौजूद नहीं थे और रही बस जिम्मेदार अधिकारी सीएमओ की तो उनका ठीक। संदीप आपके पास लौटूंगा। पुरुषोत्तम यादव दुकानदार हैं हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। पुरुषोत्तम जी आपसे जानना चाहेंगे क्या कुछ परेशानी आ जाई? जी सर, ये क्या है, अब लोग लॉकडाउन है और लॉकडाउन के चलते अब कुछ दिन के बाद व्यापारी को कुछ राहत मिली है, उसके बाद जस्ट खुलने के बाद आकर बोलते हैं कि गुमास्ता लाइसेंस। उतना दिन था लाइसेंस बनवाने का, उस समय कुछ नहीं किया और जैसे दो तीन दिन हुआ थोड़ा बहुत दुकान खुलने के, उसके बाद इन लोग बोलते हैं कि गुमास्ता लाइसेंस। इस काम से अब व्यापारी को तकलीफ हो गई और वहाँ ऐसा कुछ नहीं था और पहले से जमा कर दिए हैं, उसका कोई निराकरण नहीं किए हैं, वो जमा है तो जमा है ऐसे करके। लेकिन पुरुषोत्तम जी अधिकारियों का तो कहना ये है कि वहाँ पर भीड़ उमड़ पड़ी, ऐसा लग रहा था जैसे लॉकडाउन खुल गया है, सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन नहीं हो रहा था, इस दरमियान आपका चालान वहाँ पर काटा गया, पेनल्टी आपसे वसूली गई। जी। कितनी संख्या में आप वहाँ पर थे, वहाँ पर वहाँ की आप चश्मदीद हैं, आपसे जानना ही चाहेंगे कितनी संख्या में वहाँ पर दुकानदार आए थे और वहाँ की स्थिति उस वक्त क्या थी जब नगर पंचायत कार्यालय में दुकानदारों की भीड़ उमड़ी थी? जी, अब पूरा लोरमी का पूरा दुकानदार गए थे, अब क्या है सभी लोग डर गए थे कि कब बंद होगा, चालान काट देंगे, ये कर देंगे, ऐसे करके, इस नाम से वहाँ पूरा इतनी भीड़ हो गई थी बहुत ज्यादा। अब सभी व्यापारी गए हैं, जितने लोरमी में दुकानदार हैं सभी। बहुत बहुत शुक्रिया पुरुषोत्तम तमाम सारी जानकारी को साझा करने के लिए। हमारे साथ हमारे संवाददाता भी जुड़े थे, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम सारी जानकारी को साझा करने के लिए।